अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रिदा सैयद। आज मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में। मैं यहाँ के लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन, जो है वो क्या है जिसे आग भी नहीं लगती लेकिन फिर भी बुझाना पड़ता है। दूर वाले बैठ के कमेंट्स में बताइए, यहाँ से चल के लोगों से मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम। महरोज। उमर मलिक। खदीजा आमिर। बशीर अब्बास। फरा। मेरा नाम अक्षा वंश है। अब्दुल्ला खान। ओके उमर, मेरे पास एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने देना है। ओके 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 जी जी। क्वेश्चन मेरा ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आग भी नहीं लगती लेकिन फिर भी हम उसको पानी से बुझाते हैं? जिसे आग भी नहीं लगती और हमें बुझाना पड़ता है। आग भी नहीं लगती फिर भी बुझाना पड़ता है। जिसको आग भी नहीं लगती और फिर भी बुझाना पड़ता है। गैस। गैस। जिसको आग भी नहीं लगती लेकिन फिर भी उसको हम पानी से बुझाते हैं। आग नहीं लगती और उसे पानी से बुझाते हैं। मूसा। गुस्सा। किसी की कराड़ी बात। इंसानों को पानी। भूख। लाइट। आई गेस अंदर की आग जब लगती है। किसी की करारी बात, उसको हम पानी से थोड़ी ना बुझाएंगे। कैसे बुझाना पड़ता है? बातों से, अल्फाजों से। पानी को बुझाते हैं पानी से। आग। मेरे माइंड में तो गुस्सा ही आ रहा है। गुस्से को हम ठंडा करते हैं, बुझाते नहीं है। अच्छा, जिसे आग भी नहीं लगती और बुझाना भी पड़ता है। जिसे आग भी नहीं लगती और बुझाना भी पड़ता है। हिंट दे दे। कोई ऑप्शन मिल सकता है? एक ऑप्शन दे दे। दो तीन ऑप्शन दे दे, उनमें से मैं एक बता दूंगा। नहीं बोला सच। इतना हिंट मैंने दे दिया है और अब इससे तो तुम्हें खुद ही गैस कर लेना चाहिए। सोचिए। मैं तो ध्यान में नहीं आ रही। आग भी नहीं लगती है जहाँ यार, ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी प्लीज। कोई बात नहीं, सोचे। आपका फ्रेंड आपको पीछे से बता रहे लेकिन आपसे चीटिंग नहीं हो रही। अच्छा बता दे। और क्या हो सकता है? हाँ, मेरे माइंड में नहीं अभी कुछ आ रहा क्योंकि अभी मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मेरे माइंड में नहीं कुछ आ रहा। वो तो आई थिंक कुछ भी नहीं आ रहा है। पता नहीं, मैं बता दूँ। बता। प्यास। अच्छा हाँ, प्यास। यार आग प्यास को कब आग लगती है? हम अपनी प्यास बुझाते तो हैं पानी पी के। प्यास, प्यास, मैं कब प्यास? प्यास, 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 प्यास इज वाज द राइट आंसर। इट्स रिलेटेबल, पानी और भूख, लाइक इट्स रिलेटेबल। प्यास भी बुझाते हो आप, पानी पीते हो जब आप। आपने सुन लिया था खड़े होके? ओके, सुन लिया था। ओके, आई एम मेडिकल स्टूडेंट सो आई नो what's going on whenever you eat acidity, acidified food. एसिडिटी के अलावा खाली प्यास भी है जिसको हम पानी से बुझाते हैं। प्यास। हाँ राइट। लेकिन जब मतलब हमें प्यास लगी होती है तो तब जब हमें पानी नहीं मिल रहा होता तो हमारी सिचुएशन वही होती है तकरीबन जैसे आग वाली होती है। लेकिन उसको आग थोड़ी ना लगी हुई होती है। लेकिन आग तो नहीं लगी होती, लेकिन सिचुएशन को हम अगर कंपेयर मतलब करें तो हमारी सिचुएशन राउंड अबाउट वही हुई होती है। हम बुझाते तो उसको पानी से ही है ना, प्यास को तो इसलिए पानी से ही बुझाते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट। तब तक के लिए अपनी होस्ट रिदा सईद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।